लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अंबेडकर जयंती पर कांग्रेस नेताओं ने अपने कार्यालय को कोविड अस्पताल बनाने की पेशकश की है। साथ ही दो अन्य धर्मशालाओं को सभी संसाधनों के साथ प्रशासन को सौंपने की बात भी कही है। दरअसल कोरोना संक्रमण का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बुधवार को अंबेडकर जयंती मनाने फ्रीगंज पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने संकल्प लेते हुए कहा कि वह इस कोरोना महामारी की जंग में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की बात कही। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान वह भी अपना योगदान देना चाहते हैं। ऐसे में सभी कांग्रेस के नेताओं ने अपने क्षीरसागर स्थित कांग्रेस भवन को कोविड अस्पताल बनाने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस भवन को प्रशासन को सौंपना चाहते हैं। इसके अलावा दो अन्य धर्मशालाएं जहां पर बेड से लेकर देसी कूलर तक सभी स्थापित कर देना चाहते हैं। सोनी ने कहा कि जिन लोगों को जिला अस्पताल या अन्य अस्पतालों में बेड या इंजेक्शन की आवश्यकता हो रही है वे उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें हम सस्ते दामों में दवाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। पूरे कांग्रेस भवन को देना चाहते हैं बेड और इसके साथ में कम से कम दो धर्मशालाएं जहाँ पे 15-20 रूम तो ऑलरेडी वैसे ही तैयार है, मतलब ऐसी, और हम और प्रबंध करेंगे कि पूरी धर्मशालाओं में हम ऐसी कूलर की व्यवस्था करके वहाँ पे एक कृत्रिम मतलब अस्पताल हम पैदा कर सकें, कोविड सेंटर के रूप में हम उसको डेवलप कर सकें। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूँ, शहर के आम जो लोग हैं जो जिला सिविल अस्पताल से अपने पेशेंट के लिए परेशान है, चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो या इंजेक्शन की व्यवस्था हो, अगर उनको नहीं ये सब मिल रहा हो तो हम लोगों से संबंध करें, हम उनको निश्चित रूप से ये सब चीज़ें सस्ते दाम पे हम दिलवाएं। धन्यवाद।